डिपार्टमेंट में न्यूरो इंटरवेंशन की सुविधा है जिसके ज़रिए हम स्ट्रोक का इलाज करते हैं। इसमें अगर दिमाग के अंदर क्लॉट आ जाए उसको निकाला जाता है, एनोरिज्म का इलाज किया जाता है, और अगर ब्रेन की नसें सुखड़ जाए तो उसका स्टेंटिंग के ज़रिए से इलाज किया जाता है। आज हम सुनीता अग्रवाल जी से मिलेंगे। सुनीता अग्रवाल जी पिछले कुछ महीनों से ये अपने इलाज के लिए हमारे पास आ रहे हैं। इनको स्ट्रोक की प्रॉब्लम हुई है, फर्स्ट टाइम फरवरी में पहली बार इनको दिक्कत आई तो दिमाग में क्लॉट बन गया था, उसका दवाइयों के ज़रिए से इलाज किया गया, लेकिन दवाइयों चलने के बावजूद भी इनको फिर से दिक्कत आई तो दो बार इनको दाखिल होना पड़ा। तो हमने जब इनका ब्रेन का एंजियोग्राम किया तो उसमें पता चला कि दिमाग की एक मेन नस जो होती है जिसे बेजलर आर्टरी कहते हैं, जो दिमाग के एक नाजुक हिस्सा जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं उसको सप्लाई करती है, ब्लड देती है, तो उसके सुखड़ने की वजह से इनको काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो इनका फिर यहाँ पे स्टेंटिंग किया गया थ्रू न्यूरो इंटरवेंशन प्रोसीजर। तो ये अपने एक्सपीरियंस इनका यहाँ पे कैसा रहा उसके बारे में बताएंगे, आप बताइए अपनी प्रॉब्लम के बारे में और आपका सीएमसी में कैसा एक्सपीरियंस। मेरा यहाँ पे स्टेंटिंग हुई जो कि ठीक नहीं हो रहा था, स्टेंटिंग के बाद ठीक हुआ है। और यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है, उन्होंने बहुत अच्छे से ऑपरेशन किए, बहुत अच्छे से स्टेंटिंग करी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपको जो दिक्कत आती थी चलने में दिक्कत आ रही थी? हाँ जी, मेरे को चलने में स्ट्रोक के बाद दिक्कत आ रही थी जो अब काफ़ी हद तक ठीक है। ठीक है, आप थोड़ा चल के दिखाएंगे हमें? सीएमसी में शायद इसका इलाज हो सकता है, तो हम कंसल्टेशन के लिए अगर आए तो हमारे को उम्मीद की किरण मिली और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट हुए और हमारे को जो हमारे डाउट्स थे वो डॉक्टर्स ने बड़े प्यार से बड़े क्लियरली सारे समझाए और उसके बाद जो मन में डर था ऑपरेशन का वो भी दूर हुआ और हमारा काम इधर ठीक हो गया। ये जो सुनीता जी है हमारे पास आई थी, इनको दो बार अधरंग हो चुका था, जब हमने इनका एंजियोग्राम किया तो इनके एंजियोग्राफी में एक खून की नली सिकड़ गई थी जिसका हमने कल यहाँ पे स्टेंटिंग किया है। ये सिकड़ी हुई जो खून की नली है इसकी वजह से बार बार अधरंग होते हैं, वो प्रिवेंट करने के लिए एक छोटा सा स्टेंट जैसे हार्ट में जाता है उसी तरह का एक स्टेंट हमने ब्रेन में डाल दिया इनके, जिसकी वजह से ये बार बार होने से रुक जाए। ये एक फैसिलिटी है जो हमारे हॉस्पिटल में पूरे पंजाब में कहीं पे भी ना अवेलेबल हो फिर भी हमारे हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है एंड हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो ये क्षमता रखते हैं कि 2400 घंटे अगर पेशेंट आता है तो इसका हम इलाज कर सकते हैं।